लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। अब इसको भी अपने धनों में सेट कर देते हैं। वो सामान तो डाल दिया मैंने डिक्की में। हेलो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पक्की पहाड़। प्रियंका राज, नई शुरुआत और आप सबके साथ दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा पिछले ब्लॉग में हमने बनाया था मल्टी शाह का बर्थडे। और वैसे सच कहूं तो ये जो बर्थडे सीरीज है ये कंटिन्यू आगे बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि आज है विपुल और पलक का बर्थडे। जी हाँ दोस्तों, दोनों का बर्थडे साथ में है क्योंकि वो दोनों है ट्विंस। अब आप लोग बोलेंगे ट्विंस तो है बट दोनों की शक्लें तो सेम नहीं है, क्योंकि वो है नॉन आइडेंटिकल ट्विंस और दोनों का बर्थडे साथ में होता, बस दोनों में 12 मिनट्स का फर्क था बस। तो दोनों का बर्थडे साथ में है तो सबका बर्थडे सेलिब्रेशन चल ही रहा है, तो हमने सोचा कि हम इनका बर्थडे भी थोड़ा धूमधाम से मनाएंगे। आज बहुत सारे आएंगे तो आपको सबसे मिलाएंगे भी, फैमिली मेंबर्स से। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के ब्लॉग शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। और दोस्तों, एक चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए यहाँ पे, मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि जैसे छोटे में मम्मी वगैरह इनका बर्थडे मनाते थे ना विपुल पलक उनका, तो उन्होंने आज भी ये जो पुराना जो यादें हैं उसी पुराने उस रिचुअल के साथ ही बर्थडे सेलिब्रेशन कर रही है। पलक ने कल बनाया था यहाँ पर गणपति बप्पा और यहाँ पर सुबह सुबह पूजा कर ली। मैं थोड़ा लेट होगी रिकॉर्ड करने के लिए। और दोस्तों, ये जो सामने आपको दिख रही है एक पिंडी जैसी है, तो मम्मी से जब मैंने पूछा कि ये क्या है तो मम्मी ने बताया कि जैसे घर में जितने जेंट्स होते हैं उस हिसाब से ये बनता है, और ये इतनी ही पुरानी है जितने मतलब विपुल की डेट ऑफ बर्थ हो गई, तो बस जितनी एज है, और ये पिंडी भी उतनी ही एज की है, तो बस इसकी पूजा पाठ की। तो जैसे अगर मान ले घर में दो जेंट्स हैं तो दो बनेगी, तीन है तो तीन बनेगी, और उन सबकी ही पूजा होगी। तो मुझे ये काफी अच्छा लगा, तो मैंने मुझे यूनिक सा लगा क्योंकि मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा था। तो चलिए, क्या पता किसी ने देखा हो, नहीं देखा है तो आप भी देखिए YouTube फैमिली। 2 hours later अभी मैं आई थी यहाँ पर आदर्श बेकरी में, तो बस अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन सा केक ले जाऊँ, क्योंकि दो है तो क्वांटिटी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। तो बस मैंने सोचा है कि मैं, चलो वो आप बाद में देखना कि कौन सा केक लेके जा रही हूँ। तो बस मैंने अभी यहाँ पर केक वैसे ऑलमोस्ट मैंने पैक करा ही दिया, और थोड़ा सा लेती हूँ पॉपअप वगैरह, और साथ में थोड़े से साथ के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह भी पैक करा दिए। बस अभी इन सामान को पहले एडजस्ट करती हूँ, फिर देखती हूँ। एक तो एक्चुअली में ना मैं आई अपनी धनों में हूँ, और टू व्हीलर में यही दिक्कत होती है कि कौन सा सामान कहाँ रखे, और मेन बात ये सबसे बड़ा टास्क ही होता है, एक तो मेन बाजार से जाना हो और बीच में कई बार गड्ढे। और बस पता चला केक पहुँचने से पहले मैंने काट लिया नहीं सॉरी कुचल दिया, तो पहले इसमें डालूंगी। अब भाई मेरे केक की बारी, तो बस अब इसको भी अपने धनों में सेट कर देते हैं। वो सामान तो डाल दिया मैंने डिक्की में, अब बस इसको डाल देती हूँ यहाँ पे और चलते हैं दोस्तों। और अब बात करेंगे हम घर पहुँच के, आपको सबसे मिलाती हूँ और सबसे बातचीत भी करेंगे और बर्थडे की सेलिब्रेशन भी करेंगे। मैं अभी घर भी पहुंच गई हूँ, तो ये देखिए अब मिलते हैं वन बाय वन सभी से। तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे दादी जी, नमस्ते। दादी जी नमस्ते जी, ये हमारे दादी जी। आज दादी जी भी आए हैं क्योंकि आज बिप्पू और पलक का बर्थडे है, तो दादी जी आए हैं और साथ में इनसे मिलिए। ये है हमारे प्यारे स्वाति दी। स्वाति दी हेलो कर दो आप भी। ये इनका तो आपने सारी शादी का पूरा ब्लॉग देखा होगा, कितनी सारी सीरीज आई थी, 4-5-6 ब्लॉग बने थे दी की शादी के। तो बस दी और स्वाति दी आए हैं अभी हमारे पास यहाँ पे, और साथ में यहाँ पर मीबू। मीबू हेलो करो। हेलो हेलो यूट्यूब फैमिली, लाइक करो शेयर करो एंड कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। ये मीबू, मीवानी यहाँ खेल रहा, और दादी जी मुझे कुछ दे रहे हैं शायद, सुहागी जहो। दादी जी ने मुझे दी है सुहागी, विपुल का बर्थडे की गिफ्ट मुझे मिल गया भी थोड़ा सा। दादी जी सबको सुहागी लेके आए हैं, विपुल विपुल का बर्थडे, विपुल का गिफ्ट हम सबको मिल रहे हैं। मुझे भी मिला, मम्मी को भी मिला, और साथ में स्वाति दी ने दी हमें ये चॉकलेट, थैंक यू दी। टंडन, ये देखिए दोस्तों, पलक स्कूल में पढ़ाती है, तो बस आपको मैं यहाँ पर दिखाती हूँ कि देखिए मतलब कौन सी क्लास के, 4th क्लास के बच्चे थे और 8th क्लास के बच्चे, तो उन्होंने ये देखिए जैसे बोलते हैं ना अपना प्यार, ये देखिए बच्चों का प्यार, तो पलक के लिए बहुत ही प्यारा सा, देखो मैम पार्टी तो बनती है। मतलब बहुत अच्छी अच्छी विशेज लिखी है यहाँ पर, एक से बढ़कर एक है यहाँ पर, बहुत सुंदर सुंदर कार्ड्स है यहाँ पर देखिए। बेचारी ये देखिए आपको, मतलब आप देख सकते हैं कि बच्चों ने कैसे नोटबुक का वो करके ये बनाया हुआ है पलक के लिए, और यहाँ पर लिखा है हैप्पी बर्थडे मैम, और बहुत सुंदर सुंदर कार्ड्स बनाए हैं। तो आपको मैं पर एक अलग सा कार्ड दिखाती हूँ, ये देखिए एक ये कार्ड है, जस्ट वेट अ मिनट, ये कार्ड दिया इसको सृष्टि ने, तो ये देखिए यहाँ पे इसमें ये लगाई है दो टॉफी,
तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही प्यारा, मतलब सारे कार्ड बहुत प्यारे हैं, ऐसा नहीं, सबने बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए हैं। और ये दिया था पलक को सुकांत ने, तो उसने भी बहुत ज्यादा एफर्ट किया अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए। और ये प्लस टू क्लास के बच्चों ने दिया है, तो मतलब काफी अच्छा लगता है ऐसे। और ये देखिए टंटना, ये देखिए स्कूल के बच्चों ने यहाँ पर इयररिंग्स भी दिए, आप देख सकते हैं ना। तो मतलब बहुत अच्छा लगा ये सारा देख के। और यहाँ देखिए मम्मी दिखा रहे, बोला पेन भी दिए, बोला ये हाथ मम्मी का है। और यहाँ दादी जी, तो बस अभी यही बैठे हैं यहाँ पे। पलक से आपको बाद में मिलाएंगे, अभी वो रेडी हो रही है। 2000 years later ये हमारा बर्थडे केक। तो विपुल को प्यार से घर में विपु बोलते हैं और पलक को घर में प्यार से बोलते हैं पल्लू, तो बस वही लिखवाया। और बस ये प्यारा सा केक, तो बस अब जल्दी से सबको इकट्ठा करते हैं और केक कट करते हैं। बस तो फिर अभी सारे यहाँ पर इकट्ठा हो गए और मेहमान तो पहले रेडी हो चुका है पॉपअप लेके, कि बोला मैं इसको वो करूंगा, ब्लास्ट करूंगा। और बस यहाँ पे नानी जी, नाना सब आ गए हैं, मम्मी भी आ जाओ अंदर सारे। और यहाँ पर अतुल, और यहाँ पर जीजू जी और मामा जी। तो बस जल्दी से बर्थडे शुरू करते हैं। A few minutes later. Happy birthday to you. Happy birthday. हैप्पी बर्थडे बोलना, सब बहुत खुश है आज बोलना, क्योंकि काफी टाइम बाद, मतलब जैसे मुझे लगता है कि विपुल का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं ना मम्मी जी घर पे, क्योंकि ऐसे काफी टाइम बाद, वैसे क्योंकि विपु वैसे घर में नहीं होते, ये मुझे लगता है काफी टाइम बाद विपु घर में है। तो चलो साथ में हो गया दोनों ट्विंस का बर्थडे है ना दादी जी। मिवान अपनी ड्यूटी पूरा कर रहा है। मिवान आप क्या कर रहे हो? स्टार कलेक्ट। ओ बस जी, मिवान अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है, बोला मैं स्टार कलेक्ट करूंगा जितने भी इसमें स्टार्स निकले। ओ भाई इतना बड़ा ट्वी। ओ मिवान का मुंह खुला है। लो मामा जी, ये बस ये मांग करके दो तेरे नहीं आए। हैप्पी बर्थडे, कांग्रेचुलेशंस दोनों को। थोड़ा थोड़ा ले, पहले टेस्ट भी नहीं तो देखिए दोस्तों, बर्थडे गर्ल से मिलिए। हाय। और ये हमारी बर्थडे गर्ल है पलक दी ग्रेट। तो पलक को आज आपने देखा कि कितने सुंदर सुंदर गिफ्ट्स मिले, बट उसमें से एक और गिफ्ट है, स्पेशल गिफ्ट, जिसके बारे में पलक बताएगी, बट मैं आपको दिखाती हूँ। टंटना, ये देखिए, ये सबसे प्यारा और वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट है, क्योंकि ये मुझे फोर्थ क्लास के बच्चों ने दिया, मतलब अनएक्सपेक्टेड था। और ये स्पेशली वान्या ने बनाया है, उसको अपनी मम्मी से डांट भी पिटी है इसके लिए, बेचारी रोते रोते आई है, पर स्पेशली बोलती मैं दूंगी दूंगी, क्योंकि ये मेरी फेवरेट मैम है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। पर ये देखिए कितने एफर्ट्स किए, आप देख सकते कितना सुंदर बुके बनाया पलक ने, मुझे दिखाया तो मैंने कहा क्यों नहीं ये YouTube फैमिली को दिखाना चाहिए, कि मतलब बच्चे कितना ज्यादा प्यार करते हैं और कितने एफर्ट से इसे बनाया है। तो वानिया थैंक यू सो मच। और आपको थैंक यू, बहुत सुंदर सुंदर कार्ड बनाए थे सबने, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरी तरफ से भी थैंक यू, क्योंकि मेरी YouTube फैमिली को भी वो देखने को मिले इतने सुंदर सुंदर। और वानिया अब मैं लेके जा रही हूँ, बाय बाय। नहीं तो चलिए दोस्ती के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। इफ यू लाइक माय ब्लॉग प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन